सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो वीडियोस थोड़ी डिले हो रही हैं, बट जनवरी तक मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कर लो गाइस। मैं थोड़ा अभी किसी काम में लगा हुआ हूँ, एंड जिनको नहीं पता बता देता हूँ, यूट्यूब मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको फुल टाइम बनाने का। सो होपफुली जनवरी से हमारे जो वीडियोज़ की स्पीड है वो रेगुलर हो जाएगी। बाकी बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे डॉबरमैन की वीडियो के रिलेटेड के आप इसका डाइट प्लान बताओ। सो आज की वीडियो एकदम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या क्या खाने में देता हूँ अपने डॉग को। एंड नॉट जस्ट डॉबरमैन, आप कोई भी आपके पास पपी है या डॉग है उसको क्या आपको देना चाहिए एक अच्छी डाइट ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके, तो वीडियो एंड तक देखना, आपको सारा कुछ मैं डिटेल में समझाऊँगा। एंड सो दैट्स इट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वी मेक ट्रैवल वीडियोस एंड थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल वीडियोस। पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ, आज अभी मैंने वीडियो के लिए इसको स्पेशली मिला कर एकदम साफ़ सुथरा बना के इसको लेके आया हूँ ऊपर। सो ये है मेरी डॉबरमैन परी, दिस इज़ अमेरिकन डॉबरमैन। जो यूरोपियन होता है वो इससे थोड़ा बल्की होते हैं, एंड वो अलग ही, वो मैं एक और वीडियो में बताऊंगा। बाय द वे आज मैं हूँ एक एडिडास लवर, मुझे एडिडास ब्रांड बहुत पसंद है, एडिडास ओरिजिनल या नॉर्मल एडिडास भी। जो उसके लिए मैंने इसका, ये आज सर्दी हो गई है, कल रात को बारिश हुई काफ़ी, तो इसका ये जो ख़रीदा है मैंने ठंड के लिए बचाने का जैकेट, इस पर जो लिखा हुआ था सी एडी डॉग, तो कोइंसिडेंस की बात है मैंने भी आज सेम कपड़े पहने हुए थे, तो इसको भी जो बनाया एकदम मैचिंग हो रहा है, थ्री स्ट्राइप्स और एडिडास का इसका एडी डॉग है ये। क्यूट लग रही है इसके अंदर ये। सो वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे सारा तामझाम पूरा पोटली उठा लाया हूँ उसकी, इसको क्या क्या है जो खिलाता पिलाता हूँ उसको एक बार सेटअप कर लूँ, फिर दिखाता हूँ मैं सबको। सो गाइज, ये है वो सारा सामान जो हर एक डॉग के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट डॉबरमैन। ये आपको कोई भी आपके पास डॉग है, हाँ तेरे को भी लेंगे कैमरा में, पहले वीडियो बना लूँ। सो मैं, अगर आप डॉग फूड पे जाते हो, मैं रिकमेंड करूँगा आप रॉयल कैनिन पे जाना, ये पपी स्टार्टर आता है इसका, तो मैं इसको ऑलरेडी इसके 3-4 पैक, ये आइडिया देने के लिए दिया, अभी मेरा ख़त्म हो गया बड़ा वाला पैक। सो इसका 4 kg ये पड़ता है 2500 रुपये का, एंड आई गेस ये 1 kg वाला 900 रुपीज़ का। सो 2500 फॉर 4 kg एंड 900 रुपीज़ का 1 kg। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड जो आप कोई भी डॉग को आप खिला सकते हो डॉग फूड में, एंड मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके पास डॉबरमैन है या कोई भी डॉग है, आप रॉयल कैनिन देना। हर ब्रीड का अलग आता है, जैसे मैक्सी है और स्मॉल ब्रीड लार्ज ब्रीड, वो आपको शॉप वाला ही बता देगा। सो पहला 1-1.5 साल तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रॉयल कैनिन पर रखो अपने कुत्ते को। ये कैसे लेना है, किस तरह लेना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड अगर आपका, जिन भाइयों का बजट नहीं है, तो आप ये पेडिग्री प्रो भी ले सकते हो, ये 3 kg का पड़ता है 900 रुपीज़ का, तो ये एज़ कम्पेयर टू रॉयल कैनिन काफ़ी चीप पड़ता है। ये मैंने ट्रायल बेसिस के लिए एक लेके आया हूँ मैं, अब मैं लेट्स सी, मैं देखता हूँ इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। अगर आपको इससे भी हाई रेंज में जाना है तो एक और ब्रांड आता है अकाना एंड ओरिजिन, वो रॉयल कैनिन से भी महंगा है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। बट अगर आप नॉर्मल एंड बेस्ट में जाना है तो रॉयल कैनिन इज़ द बेस्ट, जो इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा, एंड आपकी डॉग की ग्रोथ और सब कुछ उसके अंदर परफेक्ट चलेगा। अब रही बात इसके अलावा क्या देना है, सो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो मॉर्निंग में मैं इसको देता हूँ इसका 150 ग्राम का सर्विंग, 150 ग्राम यानी इतना मुट्ठी भर के, जिसका मुट्ठी का साइज़ छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से। मैं इसको यूजुअली 3-4 मुट्ठी भर के देता हूँ डॉग फूड मॉर्निंग में। उसके साथ मैं ऐड ऑन करता हूँ 1 कैल्शियम, ये 2 कैल्शियम के यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि कैल्शियम की बहुत ज़रूरत पड़ती है डॉबरमैन को या नॉर्मली पपीज़ को बहुत ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम देना चाहिए। एंड एक मैं इसको दे रहा हूँ इस वक्त, ये वाला फोकस हो जा, हाँ। सो जो ब्रेकफास्ट होता है डॉग फूड, 150 ग्राम्स प्लस कैल्शियम, एंड जो लंच है हमारा वो मैं इसको देता हूँ घर का खाना, जैसे रोटी और दही।
सो आप उसके अंदर रोटीज ऐड कर सकते हो। अगर आप मल्टीग्रेन आटा अरेंज कर सकते हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं जो इनके लिए अच्छी होती हैं, जो अलग अलग ग्रेन से बना होता है। सो मल्टीग्रेन आटे की अगर आप चपाती ऐड कर सकते हो अपने डॉग के लिए तो वो भी बेस्ट है। सो मल्टीग्रेन आटे की रोटी एंड दही आप दे दो दिन में, जो उसका हो गया लंच। देन जो इवनिंग इवनिंग मील होता है, जो शाम के टाइम मैं इसको थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करवाता हूँ, उसके बाद मैं इसको देता हूँ बॉयल्ड एग्स। बॉयल्ड एग्स बहुत इजीली अरेंज हो जाते हैं, एंड आई एम श्योर कि अगर आप डॉग रख रहे हो तो एग्स तो अफोर्ड कर ही सकते हो आप। अगर आपको इन सब चीज़ों में भी नहीं जाना तो अंडे तो ज़रूर देना बॉयल करके। मैं अभी करंटली इसको 3 दे रहा हूँ, मैं धीरे धीरे 4 करूँगा। स्टार्टिंग मैंने 2 से करी थी, तो जैसे जैसे बड़ा होगा आपका डॉग उसके अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो। देन जो हमारा रात का मील होने वाला है डिनर, उसमें अगेन 150 ग्राम डॉग फूड एंड 1 ये वाली कैल्शियम। सो दोनों कैल्शियम की एक एक टैबलेट सुबह शाम चलेगी। एंड लंच या डिनर में किसी एक टाइम मैं एक ये भी ऐड ऑन करता हूँ, ये हिमालय का फर ग्लो। ये बेसिकली इसकी जो कोट होता है, बाल होते हैं इसके, फर जो होता है उसके लिए होता है, उसको काफ़ी शाइन करवाता है एंड सॉफ्ट कर देता है। प्लस ओवरऑल उसकी जो बालों की ग्रोथ है काफ़ी, मतलब अच्छा सप्लीमेंट है, आप ऐड ऑन कर सकते हो अगर आपका डॉग के आपको फर को आप इम्प्रूव करना चाहते हो। देन एक ये मेरे पास जो आप देख रहे हो सामने, दिस इज क्रंच स्टिक्स बोलते हैं इनको, किसी भी अलग अलग कंपनीज की आती है आप देख सकते हो। जो मेन पर्पज इसका क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखती है ये। सो जब भी डॉग्स को टीदिंग होती है, उन्हें कुछ जब उनके दांत आते हैं या चबाने का मन करता है, तो वो यूजली क्या करते हैं, घर में पड़ा हुआ सामान खाते हैं। एग्जाम्पल रिमोट, चार्जर, वायर्स, मतलब बेसिकली वो डिस्ट्रक्शन करते हैं घर में जब उन्हें टीदिंग का मन होता है। तो आप उनको ये खिला सकते हो, उससे उनकी जो वो टीदिंग है या इचिंग है वो इस पे निकलेगी, ना कि आपके घर के सामान पर। तो ये ज़रूर रखना। एंड एज आ इसको स्नैक या इसको रिवॉर्ड देने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, कि तब आप उसको कुछ ट्रेन करो, सिखाओ, तो उसे खुश होकर आप इसको खिला सकते हो। बट हमेशा ये ऐसे ही बस फेंक मत देना इनको, मतलब कुछ थोड़ा काम करवाना। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं खाना इसको कैसे खिलाता हूँ। वीडियो एंड तो देखना, मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको अगर मैं रिवॉर्ड देना चाहता हूँ इसका, तो मैं पहले इसको मैं आपको शो करता हूँ। सेट परी, सेट सेट सेट, गुड गर्ल। तो अभी जैसे देख रहे हो बैठ गई है, अब इसको मैं बोलूँगा कि आराम से लेना है, ना कि झपट्टा मारना है, क्योंकि यूजुअली डॉग एकदम से कूद के पड़ते हैं कुछ भी चीज़ देते हैं उनको। तो मैं इसको सिखाया हुआ है मैंने कि बिल्कुल प्यार से लेना, प्यार से लेना परी, बिल्कुल आराम से, एकदम प्यार से, प्यार से। तो देखो तो इसने बिल्कुल भी झपट्टा नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, एकदम प्यार से लिया है। एंड अभी शांति से खाएगी, इंजॉय करेगी। बट मेक श्योर कि आप इसको ऐसे ही मत फेंक मत दो फ्लोर पे, ये ले ले खा ले, क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं, ये ले खा ले, बिस्कुट खा ले, फेंक देते हो। उनको ऐसा फील करवाओ कि उन्हें एक चीज़ मिल रही है, रिवॉर्ड दो उनको। और उनको भी एहसास होना चाहिए कि हाँ यार मैंने कुछ काम कर रहा है इसके लिए, जब ही मिल रहा है। तो उसको बिठाओ, कमांड दो सेट, जब वो बैठे उसको सिखाओ कि आराम से लेना है, ना कि एकदम झपट्टा मारे, वो हाथ पे काट ले, उस तरह के कुछ नहीं करना। ये आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अपने डॉग के साथ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉग को खिलाना, खाना खाते टाइम उसको कैसे ट्रेन करना है कि उसी तरीके से वो खाना खाए। बिकॉज जो मैंने नोटिस करा है, एंड पहले ही गलतियाँ मैं भी कर चुका हूँ, कि एक तो डॉग फूड की जो हाइट होती है जहाँ पे उसको खाना देते हैं वो बहुत नीचे रखते हैं लोग, कई लोग तो ज़मीन पे ही देते हैं। तो डोबरमैन अगर स्पेशली आपके पास है, कभी भी उनको ज़मीन पे खाना मत देना, उनसे उनके पैर मुड़ जाते हैं, उनका पॉस्चर ख़राब हो जाता है। एंड हाइट भी अगर आप बढ़ाना चाहते हो अपने डॉग की, स्पेशली डोबरमैन की, तो उनको हाइट इंक्रीज़ करनी पड़ेगी उसके मील की लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं अभी आपको नीचे लेके चलूँगा, एंड इसका जो मैं मील दूंगा अभी लंच लंच टाइम है, तो मैं दिखाऊंगा कि मैं किस तरह इसको खिलाता हूँ एंड किस तरह मैं कमांड करता हूँ, एंड ये कैसे खाती है, एंड इसकी कितनी हाइट मैंने रखी हुई है खाने की। सो चलते हैं नीचे। सो ये है इसका लंच मेरे हाथ में, एंड अब मैं दिखाऊंगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। सो जो इसका खाने का एरिया है वो ये बनाया हुआ है मैंने,
इसमें देख सकते हो कितनी हाइट कर रखी है इसकी इसकी हाइट के अकॉर्डिंग, ताकि इसका जो पॉस्चर है वो सही बने। तो इस तरीके से आप हाइट बढ़ा सकते हो डॉग के खाने के एरिया की। एंड अब इसको मैंने जो सिखाया हुआ है वो मैं दिखाता हूँ। परी सिट स्टे, तो सिट एंड स्टे बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डॉग यूजुअली खाना देख के एकदम झपट्टा मारते हैं। ये जब तक मैं इसे बोलूँगा नहीं खाएगी नहीं। स्टे स्टे स्टे। सो ये जो ओबीडियंस है इतनी बेसिक होनी चाहिए हर डॉग में कि जब तक मालिक नहीं बोल रहा खाना खाए तो वो ना खाए। स्टे सी, खाना इसके सामने है बट ये खाएगी नहीं जब तक मैं ऐसे बोलूँगा नहीं। एंड जैसे ही मैं बोलूँगा आप देखना खा ले परी खा ले। अब इसमें आपको इसकी हाइट का भी दिख जाएगा कि एक तो उसकी खाने की स्पीड स्लो हो जाएगी, कई डॉग बहुत स्पीड से खाते हैं, तो इसका जो पोस्चर है डॉग का वो एकदम देखोगे सही बन रहा है। एंड इसकी हाइट इंक्रीज करने में भी फ़ायदा होता है एंड ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है डॉग का इसे। तो एक और चीज़, डोबरमैन गार्ड डॉग में आता है, जब भी आप खाना खिलाते हो अपने डॉग को तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए डॉग के अंदर एंड आप में कि खाना खाते टाइम उसे छेड़ सको, खाने के बीच में हाथ दे सको। ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली अगर आपके घर में आसपास छोटे बच्चे वगैरह हैं, क्योंकि है तो ये गार्ड डॉग ही। कई डॉग बहुत एग्रेसिव होते हैं खाने के लेके, काफ़ी वजह से हो जाते हैं, खाना खाते टाइम उनको छेड़ो या खाना खिलाओ तो वो काट भी लेते हैं कई बार। तो ये सब आपको अर्ली स्टेज से आदत डालनी पड़ेगी जैसे मैंने डाली हुई है। कैल्शियम खत्म कर दे, खत्म खत्म कर सारा परी। क्या हो क्या हो गया शू? चलो कहाँ है, कौन आ गया कौन आ गया? यही था कुछ आज की वीडियो का ज्ञान। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा इससे इन जनरल भी, नॉट जस्ट अबाउट डोबरमैन, के डॉग्स को क्या क्या आपको करना चाहिए अगर आप एक गार्डिंग गार्ड डॉग रख रहे हो। उनकी ब्रीड के जो क्वालिटीज़ हैं, जिस तरह के उनका नेचर है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्योंकि अगर आप एक बार डॉग ला रहे हो एंड एक डॉग का लाइफ स्पैन होता है 10 से 12 साल, अगर इतने साल के लिए कुछ घर में आ रही है वो गलत तरीके से बड़ा हो जाए तो वो सारी फैमिली उसको सफ़र करेगी। मैं इन फ्यूचर और वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से इस ब्रीड को समझ सको। एंड उसके अलावा किसी और चीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इंस्टाग्राम पे यू कैन फॉलो मी, और उसका परी का अलग अकाउंट बनाया हुआ है मैंने डॉग का, सिर्फ उसको फॉलो करना है तो उसको भी कर सकते हो। मैं वहाँ पर उसकी बड़ी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ डालता रहता हूँ। सो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।